हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे और आप सबके एग्जाम भी काफी अच्छी जा रही होगी। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एसवीटी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है आप सभी के कॉपी चेकिंग को लेकर। अब आप सोचेगा, अभी तो हमारा एग्जाम ही चल रहा है तो फिर कॉपी चेकिंग कैसे? तो आप सभी के कॉपी चेकिंग का डेट आ चुका है, बिल्कुल आपने सही सुना। और साथ ही साथ जानने वाले हैं ओएसएम प्रोसेस क्या होता है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपका कॉपी चेकिंग होना है। तो काफी इंपॉर्टेंट अपडेट होने वाली है। जैसा कि डेट आप देख सकते हैं 11/4/2023, 11 अप्रैल को ये नोटिस जारी किया गया था। लेटर संख्या देख सकते हैं 851। तो क्या है पूरा अपडेट, जानने के लिए वीडियो पे लास्ट तक बने रहे। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक से जुड़ी हर एक अपडेट सबसे पहले मिलती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लेटर संख्या और डेट आपने देख लिया, तो चलिए देख लेते हैं क्या इस पूरे लेटर में। सेवा में सभी मूल्यांकन निर्देशक, यानी जिन जिन सेंटरों को मूल्यांकन बनाया गया है या जिन्हें जिन्हें मूल्यांकन करने के लिए दिया गया है, राजकीय पॉलिटेक्निक या राजकीय महिला पॉलिटेक्निक, यहाँ पे निजी पॉलिटेक्निक यानी प्राइवेट पॉलिटेक्निक की बात नहीं की गई है। यानी ये जो लेटर लिखी गई है सभी मूल्यांकन निर्देशक को लिखी गई है, यानी एचई जो होते हैं राज्य के सभी गवर्नमेंट कॉलेजों के। विषय आप यहाँ पे देख सकते हैं, पर्षद द्वारा आयोजित माह अप्रैल 2023 की परीक्षाओं का उत्तर पुस्तिका का ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम पद्धति से मूल्यांकन के संबंध में, यानी अप्रैल माह में आप सभी का जो एग्जाम हो रहा है उसके उत्तर पुस्तिकाओं आंसर शीट को ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम पद्धति से चेकिंग करने के संबंध में। अब ओएसएम पद्धति क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रोसेस क्या होता है, आपके उत्तर पुस्तिकाओं को स्कैन करके, यानी आप जो फिजिकल अपना पेपर लिखे हैं उसको डिजिटलाइज करके किसी सर्वर पे अपलोड करना, ठीक है, और उसके माध्यम से जो आपका कॉपीज एक होता है उसी को बोला जाता है ओएसएम पद्धति, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग, यानी कि ऑन स्क्रीन आपका मार्किंग होगा डिजिटलाइज फॉर्म में, ठीक है। तो चलिए आगे देख लेते हैं कब से आपका कॉपी चेकिंग स्टार्ट है और इस लेटर में क्या दिया हुआ है। वहां से उपयुक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि पर्षद द्वारा माह अप्रैल 2023 में, जैसा कि आपको अभी पता है एग्जाम चल रही है, में विभिन्न सेमेस्टरों का संपन्न परीक्षाओं की सैद्धांतिक विषयों की उत्तर पुस्तिका, यानी थ्योरी पेपर की बात हो रही है, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन आपके संस्थान में आपके द्वारा चिन्हित कंप्यूटर पर, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सभी कंप्यूटर का आईपी एड्रेस या कंप्यूटर में जो भी रिक्वायरमेंट होते हैं वो बोर्ड को भेजना पड़ता है, क्योंकि कॉपी अब ऑनलाइन आपका चेक होता है, ऑनलाइन पद्धति से दिनांक 12/4/2023 से प्रारंभ होगी। यानी कि आपका जो उत्तर पुस्तिकाओं का जांच है वो स्टार्ट भी हो गया है, यानी कि कॉपी को स्कैन करके सर्वर पे अपलोड करना स्टार्ट हो चुका है, जिसके लिए आपको मूल्यांकन निर्देशक नियुक्त किया जाता है, यानी जिसे भी नियुक्त किया गया है उस कॉलेज में। नेटवर्क कार्य में सहायता हेतु नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति अपने स्तर से की जा सकती है, यानी अच्छे नेटवर्क के लिए अगर कॉलेज जिस भी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करना चाहे अपने स्तर से वो कर सकते हैं कॉलेज लेवल पे। संबंधित कर्मियों का मानदेय पर्षद द्वारा शीघ्र प्रेषित कर दी जाएगी, यानी जो भी इसके संबंधित कर्मी है यानी जो भी कॉपी चेक करेंगे, आपको पता है सबसे पहले टीचर को समर्थ पोर्टल एक होता है उस पर रजिस्टर करना होता है, ठीक है, उसके बाद ही वो कॉपी चेक कर सकते हैं। आगे हम लोग इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि इस नोटिस में उसके बारे में भी थोड़ा बताया हुआ है। आपके संस्थान में कार्यरत सभी व्याख्याताओं जो समर्थ पोर्टल पर रजिस्टर्ड है एवं जिसके द्वारा जिस सेमेस्टर एवं शाखा का वर्ग कार्य पोर्टल पे प्रतिवेदित कराया गया है वे सभी मूल्यांकनकर्ता के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि आपके संस्थान में आपके कॉलेज में जो भी लेक्चरर हैं जो भी फैकल्टी हैं जिनका कि समर्थ पोर्टल पे रजिस्टर हो चुका है, जिस भी ब्रांच का वो कॉपी चेक करना चाहते हैं, जिस भी सेमेस्टर का जिनका कि पोर्टल पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो चुका है, वो अपना काम उस तरह करेंगे। एचओडी श्रेणी में समर्थ पोर्टल पे यानी जो एचओडी होंगे, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फैकल्टी के साथ साथ एचओडी भी कॉपी चेक करते हैं, ठीक है, कई कॉलेज में आपको देखने को मिला होगा। एचओडी श्रेणी में समर्थ पोर्टल पे रजिस्टर्ड व्याख्याता मुख्य मूल्यांकनकर्ता एचई का कार्य करेंगे, यानी जो एचओडी है जिनका समर्थ पोर्टल पे एचओडी के रूप में रजिस्टर्ड हुआ है वो क्या होंगे, मूल्यांकनकर्ता यानी सारे जो फैकल्टी है उसके मुख्य तौर पे यानी कि मुख्य मूल्यांकनकर्ता के रूप में काम करेंगे। इस हेतु पर्षद द्वारा सभी मूल्यांकनकर्ताओं को इवेल्यूएशन क्रेडेंशियल मेल द्वारा प्रेषित कर दी जाएगी, यानी जो भी मूल्यांकनकर्ता है जो भी कॉपी चेक करेंगे सबको एक मेल मिल जाएगा। मूल्यांकन की गोपनीयता एवं स्वच्छता बनाए रखने हेतु मूल्यांकन निदेशक को भी मेल की प्रति प्रेषित की जा रही है।
यानी कि आपको पता है कॉपी चेकिंग पूरा गोपनीय तरीके से होता है, ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो जानकारी है वो कॉलेज के एचओडी को यानी जो एचई है उनको भेजी जा चुकी है मेल। उत्तर पुस्तिकाओं का आवंटन रैंडम असाइन मोड में होगा। तो ये कॉलेज के लिए है कि कॉपी वो किस तरह स्कैन करेंगे उसके लिए रैंडम असाइन मोड है। तो आई होप इस नोटिस से जुड़े आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, ठीक है, आपका कॉपी स्कैन भी होना स्टार्ट हो चुका है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर